दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इकोसिस्टम्स के बारे में कि नोकिया के सीईओ ने सबसे पहले जो टर्म कॉइन किया था, स्टीफन एलोप ने जो टर्म कॉइन किया था इकोसिस्टम का, कि कैसे गूगल और एप्पल जो अपना नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेके आ रहे हैं बल्कि एक इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं यूजर के लिए। तो आज के इस वीडियो में इकोसिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और कैसे ये अफेक्ट करते हैं यूजर के एक्सपीरियंस को, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे इकोसिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, इकोसिस्टम्स बेसिकली बायोलॉजी का एक टर्म है। इकोसिस्टम्स बेसिकली वो सिस्टम होता है जहां पे कुछ लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरैक्ट करते हुए लाइफ को सस्टेन करती हैं, जैसे कि जंगल का इकोसिस्टम हो गया या फिर शहरों का इकोसिस्टम हो गया, यहाँ पे लोग आपस में इंटरैक्ट करते हुए लाइफ सस्टेन करते हैं। तो बेसिकली इकोसिस्टम एक लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के ग्रुप होता है जहाँ पे वो लाइफ सस्टेन करते हैं किसी तरह से। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में बेसिकली बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हुए यूजर को एक सिंगल यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस देती हैं, जैसे कि आपका पीसी हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया। आपका पीसी और आपका मोबाइल फोन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो किसी केबल के थ्रू कर सकते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं या फिर शेयर्ड जैसे मीडियम्स होते हैं जिससे आपके फोन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन एक सिस्टम बनता है पूरा, जिसमें जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और आपको एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस देते हैं। अब अगर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड के सबसे फेवरेट इकोसिस्टम एप्पल के इकोसिस्टम्स को एग्जांपल के एप्पल के इकोसिस्टम को एग्जांपल की तरह तौर पर लेते हैं, तो एप्पल बेसिकली बहुत सारी तरह की डिवाइसेस बनाता है, जैसे उनका आईफोन हो गया, वो उनका स्मार्टफोन है, एप्पल वॉच हो गई उनकी स्मार्ट वॉच, एप्पल के स्पीकर्स हो गए होम पॉड, एप्पल के ईयरफोन्स हो गए ईयरपॉड्स, उनका आई मैक पीसी हो गया, उनका मैकबुक प्रो हो गया लैपटॉप्स। तो ये सारी डिवाइसेस जो है अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स में अलग 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 कामों के लिए अलग अलग यूजर्स के लिए होती है, पर ये सब आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक सिंगल आईक्लाउड अकाउंट के जरिए। आईक्लाउड अकाउंट एप्पल की जो क्लाउड सर्विस है उसे वो आईक्लाउड है, और एक सिंगल आईक्लाउड अकाउंट के जरिए आप इन सारे डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिकली जैसे कि आप अपने अगर एंड्रॉयड के केस में अगर आप देखो तो जो आपका गूगल अकाउंट होता है, अगर आप उस पर सारी चीजें बैकअप करके रखते हो, तो अगर किसी नए सिस्टम पर जाते हो वहां पे आपको सिर्फ अपना गूगल अकाउंट लॉग इन करना होता है और बाकी आपका जीमेल ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है, ड्राइव ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाती है। तो गूगल की बेसिकली जितनी भी सर्विस से वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाती है। वैसे ही एप्पल के केस में जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनमें अगर आप अपना आईक्लाउड अकाउंट लॉग इन कर दो तो वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली एप्पल कर क्या रहा है कि उन्होंने हार्डवेयर डिजाइन किया, फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डिजाइन किए और उन सबको एक सिंगल चीज से कनेक्ट कर दिया। एक सिंगल चीज वो है आपका आईक्लाउड अकाउंट, वो है बेसिकली आईक्लाउड जिससे वो सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं और ये डिवाइसेस मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है। जैसे कि अगर आपके पास एप्पल का स्मार्टफोन है और आपके पास एप्पल के एयरपॉड्स हैं तो आपको उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए करना सिर्फ इतना है कि आपको एयरपॉड्स का ढक्कन खोलना है, उनका जो केस होता है उसका ढक्कन खोलना है और वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है आपके नियर बाय डिवाइस से, जैसे वो डिटेक्ट करता है कि आसपास में कोई एप्पल डिवाइस है। तो इट इज ये इतना आसान होता है। अगर आपको जनरली किसी ब्लूटूथ हेडसेट को अपने फोन से कनेक्ट करना है या फिर ब्लूटूथ स्पीकर को ही कनेक्ट करना है अपने फोन से, तो आपको ब्लूटूथ मेन्यू में जाना होता है, एंड्रॉइड के केस में आपने ब्लूटूथ मेन्यू में जाना होता है, फिर वहां पे स्पीकर में कोई सर्टेन बटन होगा उसे प्रेस करके रखना होता है, उसके बाद वो डिस्कवरेबल होता है और उसके बाद वो आपको लिस्ट में दिखता है वहां पे, उसके बाद आप उस पर टैप करते हो फिर वो आपकी डिवाइस से कनेक्ट होता है, फिर वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को ढक्कन खोलना जितना इजी बनाना, यही इकोसिस्टम, यही बेसिकली एप्पल के अच्छे इकोसिस्टम का राज है। इसीलिए एप्पल का इकोसिस्टम इतना कन्वीनियंट है और एक बार अगर आप उसमें अंदर चले जाते हो फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बहुत सारा डेटा आईक्लाउड पे सिंक है। जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट सारे आपके आईक्लाउड पे सिंक है, आपकी फाइल्स, आपकी फोटोज, सब कुछ आईक्लाउड पे सिंक है। और जब आपको कभी एप्पल की डिवाइसेस से बाहर आना होगा, जब आपको एप्पल छोड़ के कोई और मैन्युफैक्चरर की डिवाइस यूज करनी होगी, कोई एंड्रॉयड डिवाइस यूज करनी होगी या फिर कोई विंडोज डिवाइस यूज करनी होगी, तो आपका उतना जो आईक्लाउड पे डेटा है वो सारा वहीं पे रह जाएगा। और बेसिकली यही एक वजह होती है कि लोग इकोसिस्टम्स के साथ बंध जाते हैं, वो एक तरह का यूजर एक्सपीरियंस लगातार एक्सपीरियंस करते जाते हैं
हैं, वो उनके पास एक तरह से ये एक लायबिलिटी हो जाती है कि वो उसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, उसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक तो बहुत सारा डेटा किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डंप हो गया, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके आना, जैसे अगर एप्पल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वहां से गूगल के प्लेटफॉर्म पे लेके आना काफी मुश्किल होता है। और दूसरा इन जनरल जो कन्वीनियंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ढक्कन ओपन करना और वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है, तो इस तरह के जो कन्वीनियंसेस हैं, या फिर एयर ड्रॉप का कन्वीनियंस ले लीजिए कि आपके आईफोन और अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आईमैक या फिर मैकबुक किसी सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आपको फाइल शेयर करना बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ एयर ड्रॉप करना है और वो एयर ड्रॉप सेलेक्ट करना है अपने फ़ोन के अंदर से या अपने लैपटॉप के अंदर से, और पर्टिकुलर डिवाइस सेलेक्ट करनी है और वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस पर ट्रांसफर हो जाता है वाईफाई के जरिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कन्वीनियंसेस होते हैं, उनकी वजह से एक इकोसिस्टम काफ़ी ल्यूक्रेटिव होता है, एक इनकी वजह से ही बेसिकली एक इकोसिस्टम बनता है, क्योंकि वो सारी डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और यूज़र को फाइनली एक बेहतर एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही हैं। तो बेसिकली ये एक इकोसिस्टम होता है, और इकोसिस्टम बेसिकली यूजर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है, एक्सटेंड करता है। पर इसका नुकसान बेसिकली यही होता है कि अगर आपको कभी आप ये दिमाग में बना लेते हो कि ये मन बना लेते हो कि आपको अब एप्पल छोड़ के कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई और कंपनी के डिवाइस यूज़ करना है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस करना है, तो आपका बहुत सारा डेटा पीछे रह जाता है और जो नया एक्सपीरियंस आपको, जो लर्निंग कर्व होता है, जो नई चीज़ें आपको सीखनी होती नए प्लेटफॉर्म पर, वो थोड़ी मुश्किल होती है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इकोसिस्टम्स को छोड़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इकोसिस्टम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सटेंड की वो आपको पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इकोसिस्टम्स के बारे में और भी कुछ जानना है। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।